ओसिया में लूट की वारदात, महिला नर्सिंग अधिकारी की चैन झपटकर भागा बदमाश, बाइक सवार बदमाश की तलाश शुरू। ओसिया में शुक्रवार शाम महिला नर्सिंग अधिकारी से चैन झपटने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार उप जिला अस्पताल में ओसिया में कार्यरत महिला नर्सिंग अधिकारी सपना यादव अपने बेटे के साथ शुक्रवार शाम 7 बजे बाजार में सामान लेने गई। सपना यादव जैसे ही सामान लेकर बाहर निकली तभी एक बाइक पर सवार हेलमेट पहना हुआ बदमाश आया, कुछ ही सेकंड में महिला के गले से चैन तोड़कर भाग गया। सपना ने दुकानदार की मदद से तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया और कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन लुटेरा हाथ नहीं लगा। पुलिस ने कस्बे में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे लेकिन लुटेरा ने हेलमेट पहन रखा होने व बाइक पर नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। फुटेज में लुटेरा बाइक चालक 2 बार पीड़ित महिला के बिल्कुल पास से गुजरता दिख रहा है, लेकिन उसकी चैन तोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। 3री बार जब महिला सामान लेकर सड़क पर चलने लगी तभी लुटेरा चैन तोड़कर भाग गया। शनिवार को भी पुलिस कस्बे में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। थाना अधिकारी राजूराम काला ने बताया कि पीड़ित महिला की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिए। वहीं ओसिया डिप्टी मदन लाल रोयल ने बताया कि अभी रामदेवरा मेला चल रहा है जिसमें दिन भर कस्बे में बाबा के भक्तों के बीच कई गिरोह सक्रिय होने की संभावना है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आपने गौर नहीं किया? यही तो छोड़ा है। ये घूमियो और देखिए और घूमियो। हाँ मैडम, अचैन तो रही है कि हाँ मैडम ना चैन हाथ जान नहीं ये और गले में हाथ जाए। हाँ मेरी चैन ले गया, मेरी चैन ले गया।